नमस्कार, मैं गुरनाम सिंह, रिसोर्स टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीद हूँ। आज के इस वीडियो में हम बधिरता यानी डेफनेस यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट इस पर चर्चा करेंगे। तो डेफ की बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि डेफ कौन। डेफ की परिभाषा ये है कि डेफ इज ए पर्सन हु हैज 60 डेसिबल एंड मोर लॉस इन द बेटर ईयर एट द कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, यानी बातचीत की आवृत्तियों पर 60 डेसिबल या उससे अधिक बेहतर कान में जो नुकसान है वो व्यक्ति है, बहरा है, डेफ। यहां एक दो शब्द आए हैं, एक तो डेसिबल और एक फ्रीक्वेंसी। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है और डेसिबल क्या होता है। ये दोनों ही साउंड के आयाम है, ध्वनि के आयाम है। जो डेसिबल है, डेसिबल इज द लोगारिथमिक स्केल ऑफ साउंड, लोगारिथमिक स्केल है ये। और स्केल किस चीज की है, ध्वनि की का क्या करती है, किस तरह से उसका मापन करती है, ध्वनि कितनी ऊंची है, ये हम डेसिबल से जानते हैं। और ध्वनि कितनी तीखी है ये हम फ्रीक्वेंसी से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी को HZ में मापा जाता है और इंटेंसिटी यानी तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि के लिए कंपन आवश्यक, कंपन से ध्वनि पैदा होती है, एयर पार्टिकल्स में कंपन पैदा होता है या किसी ठोस पार्टिकल में कंपन पैदा होता है तो ध्वनि उत्पादित होती है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो मोटी सी भाषा में ये कहें कि जब हम हारमोनियम प्ले करते हैं तो जो सा है, सुर लगाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, यहां तक नी तक आके आके आवाज बारीक होती चले, तीखी होती चले। तो सा क्या है, लो फ्रीक्वेंसी। और जैसे जैसे रे गा मा पा धा नी तक जाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो आगे चलते हैं, बधिरता का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण कैसे करते हैं, अब बधिर तो 60 डेसिबल से ऊपर, अर्थात उसका मेडिकल 60 के बाद बनेगा, ठीक है। नॉर्मल कहां पर है, नॉर्मल जो श्रवण है हमारा, जो सुनने की शक्ति जिसको सामान्य शक्ति कहेंगे, वो है 0 डेसिबल से लेकर 25 डेसिबल के बीच। अगर हम 10 डेसिबल पे सुन रहे हैं, 15 डेसिबल पे सुन रहे हैं, 20 पे सुन रहे हैं, 25 पे सुन रहे हैं, तो ये नॉर्मल हियरिंग है। इसके आगे 26 डेसिबल से लेकर 40 डेसिबल तक ये माइल्ड लोस, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी हियरिंग एड की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, हल्का सा ऊंचा बना। इसके आगे 41 डेसिबल से लेकर और 55 डेसिबल के बीच मॉडरेट हियरिंग लोस, यहां मामूली सा पता लगता है कि ये ऊंचा।
56 से लेकर 70 के बीच मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस, 71 से लेकर 90 के बीच सीवियर हियरिंग लॉस और 91 और उससे अधिक जो भी हुआ वो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, यानी अत्यधिक श्रवण शक्ति का ह्रास है। इसलिए यहाँ पर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले को हियरिंग एड काम बहुत बढ़िया से नहीं करती, करती है तो तब करती है जब उसको बहुत पावरफुल हियरिंग एड लगे और बहुत ही कम उम्र में हियरिंग एड लगे। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये कितने डेसिबल का लॉस है? इसके लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट, एक ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट। ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट ज़्यादा बढ़िया रहते हैं आजकल, इसको रिलायबल माना जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट में सब्जेक्ट का एक्टिव होना आवश्यक है, उसका बता पाना आवश्यक है कि उसे इस ध्वनि पर सुना है, यस या नो आंसर वो दे पाए। मेडिकल बनवाने के लिए आजकल जो क्राइटेरिया चल रहा है वो है ASSR और बेरा। ASSR और बेरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट PTA है, प्योर टोन ऑडियोमीटर। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में एक ही प्रकार की टोन को प्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उससे एक उसका ऑडियोग्राम बनाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि इस पर्सन में कितना लॉस है। ASSR ये एक ऐसा टेस्ट है जो बेरा और PTA का मिला जुला मिश्रण है और इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। बेरा टेस्ट ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट, जिसमें ब्रेन स्टेम को इवोक करके उससे रिस्पॉन्स लिया जाता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्स ले लिया कि आपको कितनी इंटेंसिटी पर, कितनी फ्रिक्वेंसी पर आपको सुना। ये टेस्ट होने के बाद परसेंटेज पे बात आती है। कुछ पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आते हैं कि जी हमारा 100% का मेडिकल करा दो, हमारा 85 डेसिबल का है, 88 डेसिबल का है, इसका मेडिकल 100% का नहीं। 100% का मेडिकल जब आएगा, जब आपके बेटर ईयर में 90 से अब आना, तब आपका बच्चा या पर्सन जो भी है डेफ है वो 100% पे मानेगा। एक मेरे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे बच्चे को पेंशन नहीं मिलती, हमारे पड़ोस वाले बच्चे को पेंशन मिलती है, हमने 2-3 बार अप्लाई किया, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जी हमारा तो 80% का बच्चा है, हमारे पड़ोस में 75% का बच्चा है, तो उस 75% वाले को पेंशन मिलती है, हमें नहीं। डेफ बच्चे के लिए क्राइटेरिया अलग होता है, MR बच्चे के लिए क्राइटेरिया अलग होता है। MR बच्चा और ऑर्थोपेडिकली डिसेबल, लोकोमोटर डिसेबल है, उन लोगों को मिलेगी 70%, लेकिन डेफ के लिए नंबर एक ये पेंशन बचपन में नहीं, डेफ को 18 साल के बाद पेंशन, पहली बात। दूसरी बात, डेफ को ओनली 100% पे पेंशन, यानी डेफ अगर 90% का सर्टिफिकेट भी है तो उसको पेंशन नहीं है, खाम खा धक्के ना खाएं और ना खाएं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीच थेरेपी। डेफ बच्चे बोलते नहीं, भूख भरे होते, लेकिन बहुत सारे डेफ बच्चे बोलते तो वो कैसे बोलते हैं? जब डेफ बच्चे को बहुत थोड़ी उम्र में
यानी 2.5 साल से लेकर 8 साल के बीच जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का एज है, उस एज के अंदर उसको हीरिंग एड लग जाए, और हीरिंग एड लगने के बाद उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग हो जाए। ऑडिटरी ट्रेनिंग होकर उसको ध्वनियों की पहचान आने लगती है, फिर स्पीच थेरेपी कराई जाती है, लगातार स्पीच थेरेपी कराई जाती है, तब जाके बहुत ज़्यादा प्रयासों के साथ बच्चे में वाणी डिवेलप हो पाती है। ऐसा नहीं अपने आप होने वाला प्रोसेस नहीं है, काफ़ी कठिन प्रोसेस जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें कराना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए, और जैसे जैसे वो कहे वैसे उसको फॉलो करें तो बच्चे में स्पीच आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आपका 15 साल का है डेस्क और उसको आज आपने मशीन लगवा दी और बाद में कह रहे हैं 1 साल हो गया जी कि कुछ नहीं होगा, वो कुछ सुनेगा भी नहीं। उसमें अगर 100% का लॉस है, 100% पे आ रहा है मेडिकल, सॉरी 100% पे यानी 90 से अबो डेसिबल से अबो उसको हियरिंग लॉस है, और आप 15 साल की उम्र में उसको मशीन लगवा रहे हैं, सिवाय शोर के सिवाय सर दर्द के कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो के लिए इंतजार करें।